हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 को लेकर कल जो है काफ़ी मात्रा में जो है फेक न्यूज़ें वायरल हुई, आप देख सकते हो भारत समाचार के द्वारा, और मैंने आप लोगों को इस पर वीडियो भी प्रोवाइड किया था। मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। रीज़न इसका ये है कि कभी कभी क्या होता है कि फेक न्यूज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वायरल हो जाती हैं, मैंने इंतज़ार किया, ठीक है, कि जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP कि उस पर अभी आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत आपकी अपडेट नहीं आती है, शाम तक आ जाती है, तो उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था। आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर भारत समाचार के द्वारा, आप देख सकते हो साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 9 जून को जारी किया जाएगा, लेकिन ये जो है दरअसल न्यूज़ जो है वो आपकी फेक साबित हुई। क्यों? क्योंकि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अब यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो, ठीक है, आप सभी लोग देखिए धैर्य बना रखिए, ठीक है, और इस समय अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही फेक न्यूज़ वायरल हो रही हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है तब तक मैं आप लोगों को कोई भी इस प्रकार की अपडेट अब दोबारा नहीं दूंगा। जल्दबाजी में गलती हो जाती है कभी कभी। यहाँ आप देख सकते हो कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम अगले सप्ताह जारी होगा, ठीक। अब क्यों लेट हो रहा है? कभी भी इतना लेट रिजल्ट नहीं हुआ है। 10 जून 5 जून को हमेशा रिजल्ट आ जाता था, इस वजह से मैंने सोचा कि 9 जून को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसमें वहाँ पर जो है अपडेट में दिया भी जा रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था। लेकिन अब मैं आप लोगों की जो शंका है उसको दूर करने वाला हूँ। देख सकते हो कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना है। मतलब ये मान के चलिए, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ बताया भी जा रहा है कि अगले सप्ताह 14 से 16 जून के बीच। अब ये तारीख पे तारीख लगातार जो है बताई जा रही हैं रिजल्ट की, कि अभी तक देखिए इतना ज़्यादा न्यूज़ में बताया गया है कि आपकी जो है रिजल्ट 10 से 11 तारीख को अनिवार्य रूप से आ जाएगा। देखिए कितना, मतलब कितने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को यही डेट बताई गई होगी, क्योंकि हमेशा रिजल्ट यही इसी डेट पर आता है। लेकिन अब देखिए UPMSP क्या निर्णय लेता है इसके बारे में, तो कोई अभी निर्णय हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आज की कटिंग में बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह 14 से 16 जून के बीच रिजल्ट जारी होगा। तो मैं देखिए आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, आप लोग टेंशन न लीजिए, आप लोग जो लोग पेपर में लिख के आए हो नंबर उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट जब भी जारी होने वाला होगा, मैंने देखा है जब भी जारी होने वाला होता है उसके एक या दो दिन पहले न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखकर आता है कि इस दिन होगा जारी यूपी बोर्ड का रिजल्ट, तारीख लिख के आती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जिस दिन भी जारी होगा उसके एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर में आ जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, ये मान के चलिए कि बस ये 15-16 जून लास्ट डेट है, इसके पहले पहले ही रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, मैंने आपकी शंका और समस्या का समाधान भी बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई उस वीडियो में गलत न्यूज़ देने की, और वो मैं क्या उस पर काफ़ी लोग विश्वास कर चुके थे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल ये जो आपकी कल की न्यूज़ थी उसको मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे जो है वहाँ पर समस्याएं हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको तभी मिलेंगे जब आपकी डेट की घोषणा हो जाएगी, ठीक है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।